हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे जो जीएसटी के इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थे उनको। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन पढ़ ली थी, इसके बाद में हमने मार्केट प्राइस भी पढ़ लिया था। ठीक है, मार्केट प्राइस की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे मिक्स्ड सप्लाई के। मिक्स्ड सप्लाई की जो डेफिनेशन है वो हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। मिक्स्ड सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच अ सप्लाई डज नॉट कंसिस्ट अ कंपोजिट सप्लाई। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। हिंदी में भी एक बार आप सुन लीजिए। हिंदी में डेफिनेशन है, इससे आशय किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समूह का जो परस्पर संयोजन से बनाया गया है, दो या दो से अधिक पृथक पृथक पूर्ति से है, जहाँ ऐसी पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति नहीं होती है। तो देखिए मिक्स्ड सप्लाई का मतलब क्या होता है, मिश्रित पूर्ति। तो मिश्रित पूर्ति को अगर हम अपनी जनरल लैंग्वेज के अंदर देखना चाहे, इसे आप कह सकते हैं मिश्रित पूर्ति। ठीक है, इसे हम जनरल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मिक्स्ड सप्लाई मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और एनी कॉम्बिनेशन और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजक्शन विथ ईच अदर बाय द टैक्सेबल पर्सन। तो देखिए अगर कोई पर्सन जिसका नाम हम क्या कह सकते हैं, सप्लायर। ठीक है, अगर कोई सप्लायर गुड्स या सर्विस का कोई कॉम्बिनेशन बना करके बेचता है, मतलब साथ साथ में बेचता है, ठीक है, तो ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है वो कॉम्बिनेशन ही आपके क्या कहलाता है, मिश्रित पूर्ति कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आती है, इसके अंदर कंपोजिट सप्लाई नहीं आती है। ठीक है, इसके अंदर जो संयुक्त पूर्ति है वो नहीं आती है। संयुक्त पूर्ति के बारे में हमने पढ़ा था ना कि जब हम किसी गुड्स को सप्लाई कर रहे होते हैं तो उसके साथ में हमें कोई सर्विस भी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। जैसे हमने कोई गुड्स सप्लाई करना है, उसकी पैकिंग कर दी हमने, ठीक है, पैकिंग करने के साथ में उसके इंश्योरेंस भी करवा दिए, तो ये जो साथ में दो सर्विस दी है ये कंपोजिट सप्लाई के अंदर आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे मिक्स्ड सप्लाई का मतलब क्या है कि गुड्स या फिर सर्विसेज का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना देना साथ में ही। ठीक है, मतलब डबल कॉम्बिनेशन में या दोनों को साथ में या दो तरह के गुड्स या दो तरह की सर्विस या दोनों का अपना अपना क्या बना देना, कॉम्बिनेशन बना देना किसी टैक्सेबल पर्सन के थ्रू। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, सप्लायर होगा इसके अंदर। ठीक है, जो सप्लायर है वो टैक्सेबल पर्सन यहाँ पे कहलाता है। तो वो अगर मिला करके मिक्स करके उसके सप्लाई कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मिश्रित पूर्ति कहेंगे। ठीक है, फिर करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की बात। नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है मनी की। नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी आएगी, मनी की। अब देखिए मनी का मतलब क्या है, मनी को हम वैसे नॉर्मली क्या बोलते हैं, मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, इसे मुद्रा कहा जाता है। अब देखिए इट मीन्स द इंडियन लीगल टेंडर। ठीक है, ये कोई लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चेक भी आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी आती है इसके अंदर, चेक आ जाते हैं, प्रॉमिसरी नोट आ जाते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी इसके अंदर आ जाते हैं, लेटर्स ऑफ क्रेडिट आ जाते हैं, ड्राफ्ट आ जाते हैं, पे ऑर्डर आ जाते हैं, ट्रेवलर चेक जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, मनी ऑर्डर आ जाते हैं, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रिमिटेंस इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी आगे भी है, देखिए मनी की डेफिनेशन थोड़ी सी बड़ी है जिसे हम देखते हैं और आगे देखिए। ये देखिए और एनी अदर भी आ जाते हैं इसके अंदर, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और दूसरा कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर आ जाता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हेन यूज एज अ कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन और एक्सचेंज विद द इंडियन लीगल टेंडर ऑफ द अदर
denominations but shall not include any currency that is held for its numismatic value. ठीक है, numismatic value. तो देखिए ये मनी के अंदर क्या आ जाते हैं, मनी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है. मनी में जैसे इंडियन लीगल इंडियन टेंडर तो आते ही है, ठीक है, वो तो आते ही है. इसके अलावा फॉरेन करेंसी भी आ जाती है, ठीक है, मुद्रा के अंदर. और क्या क्या आ जाता है इसके अंदर, इसके अंदर जो ड्राफ्ट है, जो मनी ऑर्डर है, वो सारे कुछ इसके अंदर आ जाते हैं. जैसे हम देखते हैं, अभी देखो हमने क्या क्या देखा था इसके अंदर, ये देखिए क्या क्या आती है. मनी का मतलब, मनी में सिर्फ मनी से हमारे रुपए से नहीं है, ठीक है, इंडियन लीगल टेंडर के अलावा फॉरेन करेंसी, चेक आ जाते हैं, प्रॉमिसरी नोट आते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, ये सारे कुछ इसके अंदर इंक्लूड किए हैं, इस डेफिनेशन के अंदर डाले गए हैं. ठीक है, समझ में आता है. तो ये इसकी डेफिनेशन इसके अंदर दी गई है. और इसका यूज़ किसी भी तरह के ऑब्लिगेशन को सेटल करने के लिए एज अ कंसिडरेशन उसको यूज़ किया जाता है. ठीक है, अगर हम कुछ खरीद के लेके आए, गुड्स या कुछ भी हमने सर्विस ली, ठीक है, गुड्स या सर्विस कुछ भी खरीद के लेके आए, तो इसके बदले में, इसके ऑब्लिगेशन का पेमेंट करने में या फिर इसके कंसिडरेशन में हम जो चीज़ देंगे वो चीज़ क्या कहलाएगी, मनी कहलाएगी. ठीक है, और इसके अंदर चेक, पे ऑर्डर और सारे कुछ आ जाते हैं. ठीक है, जो भी अभी हमने देखे हैं, समझ में आया. तो ये है मनी आपके. फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ. नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या आ जाती है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन आता है. ठीक है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की हम बात करेंगे अभी. तो देखिए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है, अनिवासी करदाता. ठीक है, अनिवासी करदाता या अनिवासी जो व्यक्ति होता है वो करदाता, या कर योग्य अनिवासी व्यक्ति. हिंदी में क्या कह सकते हैं, कर योग्य अनिवासी व्यक्ति. यहां पे लिखते हैं हम कर योग्य अनिवासी व्यक्ति. ठीक है, ये आ जाता है इसके अंदर. अब देखिए क्या होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेदर एज अ प्रिंसिपल और अ एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी, बट हु हैज़ नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और द रेजिडेंट इन इंडिया. ठीक है, रेजिडेंस इन इंडिया. तो मतलब इसके अंदर एक ऐसा पर्सन आता है जो कि कभी कभी क्या करता है, गुड्स या सर्विस की सप्लाई करता है. ठीक है, कभी कभी देखिए उसने क्या बोला है, हु ऑकेजनली अंडरटेक्स द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, गुड्स और सर्विस की वो कभी कभी ऑकेजनली सप्लाई करता है, हमेशा उसका सप्लाई करने का काम नहीं है. और वो कैसे कर सकता है, वो चाहे तो एज अ एजेंट भी उसको कर सकता है. ठीक है, और इन एनी अदर कैपेसिटी, वो किसी भी कैपेसिटी से वो क्या कर सकता है, अपनी सप्लाई या फिर गुड्स को बेच सकता है. लेकिन उसके पास कोई भी क्या नहीं होता है, नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया. जिसके पास इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस का फिक्स प्लेस नहीं होता है और कोई भी रेजिडेंस नहीं होता है इंडिया के अंदर, वो कभी कभी इंडिया के अंदर क्या करता है, सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज की. ठीक है, तो ऐसा जो पर्सन होता है वो पर्सन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कहलाता है. ठीक है, तो ये इसके अंदर डेफिनेशन के अंदर ये बात आती है. अब हम आगे बात करेंगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई की. नॉन टैक्सेबल सप्लाई को हम हिंदी में कहते हैं गैर कर योग्य पूर्ति. ठीक है, गैर कर योग्य पूर्ति, जिस पर टैक्स नहीं लगता है, ऐसी कौन सी सप्लाई है. तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ विच इज नॉट लाइबल टू टैक्स अंडर CGST एक्ट और अंडर द IGST एक्ट. मतलब ऐसे सप्लाई या ऐसे गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई या दोनों की सप्लाई. ठीक है, या तो गुड्स की बात करते हैं या फिर सर्विसेज की बात करते हैं या दोनों की बात करते हैं, जो कि क्या नहीं है, लाइबल नहीं है टू टैक्स. ठीक है, अंडर द CGST एक्ट और अंडर द IGST एक्ट. ठीक है, तो ऐसी कोई भी सप्लाई, किसी भी गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई जो कि CGST एक्ट या IGST एक्ट के अंदर टैक्सेबल नहीं है, जिसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, वो क्या कहलाती है आपके, नॉन टैक्सेबल सप्लाई कहलाती है. ठीक है, फिर बात करते हैं नॉन टैक्सेबल टेरिटरी. ठीक है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी को हिंदी में क्या कहते हैं,
गैर कर योग्य क्षेत्र, ठीक है, इसे हम कहते हैं गैर कर योग्य क्षेत्र। गैर कर योग्य क्षेत्र का मतलब क्या होगा, देखिए, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी मीन्स अ टेरिटरी विच इज द आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी। तो देखिए, इसके अंदर कोई भी ऐसा क्षेत्र, इसको क्षेत्र बोलते हैं, टेरिटरी का मतलब क्या होता है, क्षेत्र। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि जीएसटी के दायरे के अंदर नहीं आता, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब यही होगा कि ऐसा कोई भी एरिया या ऐसा कोई भी क्षेत्र, ठीक है, जिस जो कि किससे रखा गया है, टैक्सेबल टेरिटरी से बाहर रखा गया है, आउटसाइड द टैक्सेबल टेरिटरी, जो कि कर के दायरे से है, ठीक है, कर के दायरे से बाहर है, ऐसा कोई भी क्षेत्र नॉन टैक्सेबल टेरिटरी कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि क्या है, 52, और वो है नोटिफिकेशन, ठीक है। नोटिफिकेशन जो है उसकी क्या डेफिनेशन है वो हम देखते हैं। नोटिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिसूचना। क्या कहते हैं हिंदी में, अधिसूचना, ठीक है। तो अभी लिखते हैं इसकी हिंदी, अधिसूचना। अब ये अधिसूचना क्या होती है, नोटिफिकेशन जो मिलते हैं ना गवर्नमेंट से, इस एक्ट के अंदर कोई भी काम के लिए कोई नोटिफिकेशन मिलता है, तो देखिए, नोटिफिकेशन मीन्स अ नोटिफिकेशन पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट एंड द Expressions notify and notified shall be construed accordingly, ठीक है। तो notification का मतलब कोई भी ऐसा officially notification है जो कि किसके अंदर, गजट के अंदर, जो सरकारी गजट वगैरह होते हैं ना, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अधिसूचना या सरकारी राजपत्र में प्रकाशित है, ठीक है। तो कोई भी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कोई भी अधिसूचना जो कि notify या notified से express किया जाए, ठीक है, तो वो जो नोटिफिकेशन होता है वो नोटिफिकेशन इसकी डेफिनेशन में आता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, आगे देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी आपके आउटपुट टैक्स की। नेक्स्ट देखिए आता है आउटपुट टैक्स, ठीक है। आउटपुट टैक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, आउटपुट कर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए, आउटपुट टैक्स, देखिए, आउटपुट टैक्स इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन मीन्स द IGST चार्जेबल अंडर द एक्ट ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हिम और हिज एजेंट एंड एक्सक्लूड द टैक्स पेबल बाय हिम ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स के अंदर क्या आता है, आउटपुट टैक्स के अंदर देखिए, तो आउटपुट टैक्स का मतलब होता है कि कोई भी टैक्सेबल पर्सन जो है, या तो कोई टैक्सेबल पर्सन या फिर उसका क्या, एजेंट, ठीक है, या तो टैक्सेबल पर्सन खुद या फिर उसका एजेंट कोई ऐसी गुड्स या फिर सर्विसेज की या दोनों की सप्लाई करता है, ठीक है, कौन से एक्ट के अंदर, IGST एक्ट के अंदर, ठीक है। तो वो जो सप्लाई या गुड्स की जो सप्लाई होती है सर्विसेज की, वो इसके अंदर आ जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आता है, इसके अंदर जो रिवर्स चार्ज बेसिस पे जिस पर टैक्स लगता है, ठीक है, वो टैक्स इसके अंदर नहीं आता है। तो आउटपुट टैक्स से मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी तरह की जो टैक्सेबल पर्सन या उसका एजेंट है कोई सप्लाई करता है जो कि इस एक्ट के अंदर टैक्सेबल सप्लाई की कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है, तो वो इसके अंदर आ जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं आता, इसके अंदर नहीं आता है रिवर्स चार्ज बेसिस पर, रिवर्स चार्ज बेसिस पर जो टैक्स पेएबल किया जाता है, ठीक है, वो इसके अंदर नहीं आता, ठीक है। इसको हम कहते हैं विपरीत प्रभार के आधार पर, इसको क्या कहते हैं हम, विपरीत प्रभार के आधार पर जो टैक्स होता है, विपरीत प्रभार के आधार पर, ठीक है, रिवर्स चार्ज बेसिस के आधार पर अगर टैक्स का पेमेंट किया है तो वो इसके अंदर नहीं आता। अदरवाइज एक टैक्सेबल पर्सन या उसके एजेंट के संदर्भ में जितना भी गुड्स का या सर्विसेज का सप्लाई किया गया है जो कि IGST एक्ट के अंदर टैक्सेबल है, तो वो सारा उसके ऊपर जो भी टैक्स होता है वो आउटपुट टैक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, तो चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे आउटवर्ड सप्लाई की। किसकी है, आउटवर्ड सप्लाई की। तो देखिए, आउटवर्ड सप्लाई को हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जावक पूर्ति। क्या कहते हैं हम,
इसे कहते हैं जावक पूर्ति। तो जावक पूर्ति क्या होता है, देखिए, आउटवर्ड सप्लाई इन रिलेशन टू अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन के रिगार्डिंग या उसके रिलेशन में, मींस अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, ठीक है, किसकी, गुड्स और सर्विस की सप्लाई या फिर दोनों की, ठीक है, वेदर बाय अ सेल, या तो सेल के थ्रू की गई हो, या ट्रांसफर के थ्रू, या फिर बार्टर के थ्रू, या एक्सचेंज, या फिर लाइसेंस, या फिर रेंटल, लीज, या डिस्पोजल, और एनी अदर मोड मेड और एग्रीड टू बी अ मेड, ठीक है, या तो वो कर दी गई हो, या फिर करने का क्या किया गया हो, एग्री किया गया हो, ठीक है, करने के लिए एग्री हुआ हो, बाय सच पर्सन इन द कोर्स और द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो जावक पूर्ति का मतलब यही होता है कि कोई भी तरह की पूर्ति या कोई भी तरह की सप्लाई जो कि किसी टैक्सेबल पर्सन के थ्रू की गई हो, चाहे वो सर्विस की हो, चाहे वो गुड्स की हो, ठीक है, और किसी भी तरीके से की गई हो, कैसे, सेल करके की गई हो, ट्रांसफ़र करके की गई हो, बार्टर के थ्रू की गई हो, एक्सचेंज किया हो, लाइसेंस के थ्रू किया गया, रेंटल दिया हो, लीज वगैरह, डिस्पोजल और एनी अदर मोड, ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी सप्लाई अगर की गई है या करने का वादा किया है, ठीक है, या तो कर दी या करने का प्रॉमिस किया है, तो ऐसी जो सप्लाई होती है वो आउटवर्ड सप्लाई के अंदर आ जाती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आउटवर्ड सप्लाई कहते हैं। और वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बाय सच पर्सन द कोर्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो जो सप्लाई करता है, ठीक है, टैक्सेबल पर्सन, वो सारी सप्लाई इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। फिर चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट डेफिनेशन के अंदर आता है पर्सन, ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन में हम बात करेंगे किसकी, पर्सन की। चलिए देखिए, पर्सन का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसे हम कहते हैं व्यक्ति, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति। अब व्यक्ति के अंदर कौन कौन आते हैं, देखिए पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन के अंदर कौन कौन से, इसकी जो डेफिनेशन है ना, आपको पता है पर्सन की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर भी दी हुई है, लेकिन उस डेफिनेशन से ये डेफिनेशन थोड़ी सी क्या है, वाइड है, ठीक है, थोड़ी सी क्या है, ज़्यादा है इसके अंदर, पर्सन की डेफिनेशन में ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। अब देखिए पर्सन में क्या क्या आ रहा है, पर्सन में ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसके अंदर देखिए एक तो आता है एन इंडिविजुअल, जिसे हम कहते हैं व्यष्टि, इसके अंदर एक व्यष्टि आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसे हम कहते हैं हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार, ठीक है। फिर बात करते हैं कंपनी की, तो इसके अंदर एक कंपनी भी आ जाती है। फिर बात करते हैं फर्म की, तो एक फर्म भी इसके अंदर आ जाती है। फिर बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सीमित दायित्व फर्म, ठीक है, या सीमित दायित्व वाली साझेदारी। सीमित दायित्व साझेदारी, ठीक है, ये भी इसके अंदर आती है। एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्तियों का समूह, जो व्यक्तियों का समूह होता है ना, वो भी इसके अंदर आता है, व्यक्तियों का समूह, ठीक है। फिर बात करते हैं एनी कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश बाय और अंडर द सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज 45 ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। कोई भी ऐसा कॉरपोरेशन जिसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम व्यक्ति कह सकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन जिसे हम कहते हैं ना, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो ये कृत्रिम व्यक्ति नामक जो चीज़ें होती है जिन्हें व्यक्ति माना गया है सिर्फ, ठीक है। एनी कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश बाय अंडर द सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड इज क्लॉज 45 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। और नेक्स्ट आगे देखते हैं और भी चीज़ें क्या क्या आती है इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है एनी बडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ द कंट्री आउटसाइड इन इंडिया. ठीक है, आउटसाइड इंडिया जो भी कोई लॉज है किसी भी देशों के, उसके अंदर अगर कोई बना हुआ कॉर्पोरेट है, ठीक है, कोई भी बना हुआ निकाय है जो किसी बाहर के रूल के अंदर, बाहर के देशों के रूल के अंदर बना हो, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में बात करें तो कंपनीज एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड कंपनीज होती है वो ही क्या होती है, कॉर्पोरेट बॉडी होती है. ठीक है, तो वो इसके इंडिया के अंदर होती है, और इंडिया के बाहर अगर कोई दूसरा लॉ चलता है तो उसके अंदर अगर किसी बिजनेस ने अपना इनकॉर्पोरेशन या कंपनी ने अपना इनकॉर्पोरेशन कराया है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है. ठीक है, फिर देखो कोऑपरेटिव सोसाइटीज. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे हम कहते हैं सहकारी समिति, सहकारी समिति भी इसके अंदर आती है. ठीक है, सहकारी समितियां भी इसके अंदर आती है. फिर बात करते हैं हम आगे, नेक्स्ट आ जाता है लोकल अथॉरिटी. लोकल अथॉरिटी में स्थानीय सत्ता, जो स्थानीय सत्ता होता है ना म्युनिसिपैलिटी वगैरह, वो इसके अंदर आ जाती है. ठीक है, जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन और ये सारे कुछ इसके अंदर आ जाते हैं. फिर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट खुद इसकी कैटेगरी के अंदर आ रही है. ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इसकी कैटेगरी में आ रही है. फिर बात करते हैं सोसाइटी एज ए डिफाइंड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860. तो अगर कोई सोसाइटी है जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, तो वो सोसाइटी भी इसके अंदर आ जाती है. फिर बात करते हैं ट्रस्ट की. जो ट्रस्ट होते हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं. फिर बात करते हैं एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव. तो देखिए, ऐसा कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जो कि हमने ऊपर जितने भी पॉइंट पढ़े हैं ना उन पॉइंटों के अंदर नहीं आता है, वो किसके अंदर आ जाता है, वो भी इसके अंदर आ जाता है. मतलब जिसे हम क्या कह सकते हैं, अन्य कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति. इसे क्या कहेंगे, अन्य कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति. ठीक है, अन्य कोई कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भी इसके अंदर आ जाता है, इस डेफिनेशन के अंदर. तो यहां तक हमने पढ़ा है पर्सन के अंदर.